हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का दीन पर स्वागत है। मैं विश्वजीत सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं बीए प्रोग्राम सेकंड ईयर ह्यूमन राइट्स जेंडर एंड एनवायरनमेंट की। ठीक है, इसका हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं बुक फर्स्ट का। ये जो टोटल बुक है आपकी, इसके अंदर में टोटल तीन पार्टों में बटा हुआ है बुक। ठीक है, पहले पार्ट के अंदर में आप ह्यूमन राइट्स के बारे में पढ़ते हो, दूसरे पार्ट में जेंडर के बारे में पढ़ते हो, तीसरे पार्ट में इन्वायरमेंट वातावरण के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तीन पार्टों में बटा हुआ है। तो आज हम फर्स्ट पार्ट, इसका जो ह्यूमन राइट्स, जिसमें मानव अधिकार के अलग अलग रूपों के बारे में बताया गया है, उसके इतिहास के बारे में बताया गया है कि किस हिसाब से कौन सी संस्था मानव अधिकार का वर्क करती है, किस हिसाब से अगर कोई किसी का शोषण हो रहा है, हनन हो रहा है अधिकारों का, तो कहाँ पर हम जाके आवाज़ उठाएं, सारा चीज़ हम जानकारी फर्स्ट बुक में लेते हैं। ठीक है, ह्यूमन राइट्स में मानव अधिकार के। तो आज हम इसी के फर्स्ट बुक का सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं विद आंसर। इस वीडियो के अंदर हम ये सीखने वाले हैं कि कैसे आंसर लिखा जाना चाहिए, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। नॉर्मली क्या होता है कि ना, क्वेश्चन जो भी आया, ठीक है, बच्चे सब बोलते हैं सर मैंने तो आंसर पूरा लिख कर आया, क्वेश्चन मुझे बिल्कुल समझ में आ गया, बट फिर भी नंबर कम आते हैं, नंबर बैक आती है। रीज़न क्या होता है, क्योंकि उनको जो प्रॉपर मेथड होता है राइटिंग का, या फिर वे होता है आंसरिंग का, आंसरिंग फॉर्मेट जिसे हम कहते हैं आंसरिंग फॉर्मेट, वो उनको नहीं आता है। आंसरिंग फॉर्मेट के कारण उनको नंबर पूरे नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, तो आंसरिंग फॉर्मेट भी देखेंगे कि क्या आंसरिंग फॉर्मेट होना चाहिए। ठीक है, ये वीडियो नॉर्मली एक वीडियो में आपकी ये वाली बुक पूरी खत्म हो जाएगी, एक वीडियो एक बुक खत्म। ठीक है, अगली जो वीडियो आएगी उसके अंदर में उसी तरह से जेंडर का भी करेंगे कि एक बुक में एक वीडियो खत्म, और उसी तरह एनवायरमेंट का भी करेंगे। ठीक है, तो आज की एक वीडियो में एक बुक आपकी पूरी खत्म हो जाएगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। इस वीडियो के अंदर में आप टोटल 1 to 10 लेसन, जो फर्स्ट बुक फर्स्ट के अंदर में 10 लेसन है, 10 के 10 लेसन करने वाले हो, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कभी किसी तरह के आपको डाउट आता है इस वीडियो में या किसी अदर वीडियो में, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे, जहाँ भी आप चाहो वहाँ पे हमें कमेंट करके बोल सकते हो। ठीक है, यूट्यूब पे कमेंट करके बोल सकते हो, हर जगह आप कहीं भी, हम आपके लिए अवेलेबल हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ये आपका फ्रंट पेज होने वाला है, जो आपकी बुक है SOL की उसका। ठीक है, तो कई बार बच्चों का एक क्वेरीज होती है कि सर ये वीडियो जो आपने डाली है ये किस किस के लिए है, किस किस के लिए, मतलब यहाँ पे SOL के लिए है, रेगुलर के लिए है, नॉन के लिए है, या वो मतलब इग्नू के लिए है, ये पूछना होता है बच्चों का। ठीक है, तो ये वीडियो सभी के लिए यूज़फुल है, चाहे वो SOL से हो, रेगुलर से हो, नॉन से हो, चाहे इग्नू से हो। अगर उनके पास ह्यूमन राइट्स का सब्जेक्ट है तो ठीक है, अगर वो है, उनके पास फंडामेंटल राइट्स है, ह्यूमन राइट्स है, तो वहाँ पे ये यूज़फुल है। ठीक है, और ये यूज़फुल इसलिए भी है क्योंकि अगर मान लो देखो, अगर किसी तरह के आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी तरह के कुछ और प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उनके लिए भी यूज़फुल है कि अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है किसी जॉब के लिए, क्योंकि ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड अक्सर 2, 4, 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। ठीक है, तो इनके लिए भी यूज़फुल है। और दूसरी चीज़, अगर आप इग्नू से पढ़ रहे हो या फिर आप रेगुलर से पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास जो ह्यूमन राइट्स होगा या फिर आपकी जो ह्यूमन राइट्स की बुक होगी वो अलग होगा, उसमें आपको कुछ अलग अधिकार पढ़ाए जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो SOL वाले के पास अधिकार पढ़ रहे हैं उस बुक के अंदर में, वही रेगुलर वाले बच्चे भी सेम ही बुक पढ़ने वाले, तो कोई उसमें डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये आपकी चैप्टर का वो फ्रंट पेज है, जो इसमें टोटल 10 चैप्टर है। ठीक है, 10 चैप्टर बटे हुए, 2 इकाई में बटे होते हैं, जिसमें फर्स्ट इकाई में 2 और नीचे में 8 चैप्टर हम करते हैं। आज इसी चैप्टर, आज 10वें चैप्टर का हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, पहला लेसन का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ह्यूमन राइट्स का बनता है, सामाजिक असमानता की विवेचना कीजिए, सजातीयता किस प्रकार से भारत में असमानता का आधार है। ठीक है, इस टोटल क्वेश्चन के अंदर में 2 पार्ट बन के आते हैं, 2 क्वेश्चंस बन के आते हैं। पहला ये कि सामाजिक असमानता, ठीक है, यहाँ पे 20 नंबर का मान लो क्वेश्चन है, तो 20 नंबर में 2 क्वेश्चन 10 नंबर के पहला यहाँ तक ये बना, दूसरा ये सजातीयता किस प्रकार से भारत में असमानता का आधार है। ठीक है, 10 नंबर के 2 पार्ट बन गए, दोनों का आंसर दोगे तो 20 नंबर आपके मिलते हैं। ठीक है, पर बच्चे कई बार क्या करते हैं, एक का आंसर देकर छोड़ देते हैं, बोलते हो यार मैंने तो आंसर देकर आया, तो यहाँ पे नंबर कट जाते हैं। ठीक है, अब देखो सामाजिक असमानता की विवेचना कीजिए, मतलब एक समाज है उसके अंदर में क्या है कि इक्वलिटी नहीं है, इक्वल नहीं है, असमानता है। असमानता अब कैसे होती है कि अब लिंग के आधार पर असमानता, कि यार वो लड़की है मैं लड़का हूँ, यार वो लड़की ये काम कैसे करेगी, वो लड़का ये काम कैसे करेगा, तो ये क्या हुआ, असमानता हुई। ठीक है, कलर के आधार पर असमानता, अब यार वो गोरा है उसको यहाँ पर एंट्री नहीं है, वो इस पर नहीं कर सकता, वो छोटी जाति का है मैं बड़ी जाति का हूँ, ठीक है, वो ब्राह्मण है मैं राजपूत हूँ, ठीक है, वो ये है वो ये है, ये जो ये हुआ ना, ये सारी चीज़ें असमानता कहलाती है। ठीक है, तो भारतीय समाज में असमानता क्या है, किस प्रकार से, तो आप सभी लोग अच्छे से जानते हो कि हमारा जो भारतीय समाज है वो नॉर्मली जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था पर आधारित है, बाकी देशों से अलग है। ठीक है, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था पर आधारित है,
यहाँ पर कार्य के आधार पर, कर्म के आधार पर आपको जाति नहीं बांटी जाती है, जबकि यहाँ पर आपकी जो आपका खानदान पीछे चलता आ रहा है उसके आधार पर बांटी जाती है, ठीक है, आपके खानदान के आधार पर बांटी जाती है। अगर आप ब्राह्मण के घर में पैदा हुए हो, भले आपको पूजा पाठ करवाने नहीं आता, फिर भी आप ब्राह्मण ही कहलाओगे, ठीक है। अगर आप मान लो किसी राजपूत के घर में पैदा हुए हो, किसी बनिया के घर में पैदा हुए हो, भले आपको दुकानदारी चलानी नहीं आती, फिर भी आप बनिया ही कहलाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ें मानी जाती है, हमारी मेंटेलिटी बन चुकी है, समझ में आता है। तो यहाँ पे ये तो वर्ण व्यवस्था हमारी भारत में किस प्रकार से है, तो चार वर्ण व्यवस्था है, जिसमें से सबसे ऊपर आता है ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र, ठीक है, और पांचवें नंबर पे चंडाल, ये सब आते हैं जो सभी वर्णों की सेवा या फिर उनकी जूठ जो होता है ना, छूटा हुआ खाने के लिए, उनका छूटा हुआ खाने के लिए कहा जाता है, ठीक है। आपकी बुक में भी कुछ इसी तरह डिफाइन कर रखा है, मेरा किसी भी जाति धर्म को ठेस पहुंचाने का कोई मकसद नहीं है, तो सॉरी अगर किसी को बुरा लगता है तो फ्रेंड्स, ठीक है, समझ में आता है। भारतीय समाज में असमानता किस प्रकार से, तो क्वेश्चन ये बनता है सजातीयता किस प्रकार से भिन्न है, तो सजातीयता मतलब जो निम्न जातियां हैं, जो विभिन्न जातियां हैं वो किस प्रकार से भिन्न है। तो भारत के अंदर में नॉर्मली जाति व्यवस्था देखोगे तो उनके कर्म पर ना होकर उनके वर्ण, उसके खानदान पर आधारित होती है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति छोटी समाज से, छोटी वर्ग से, छोटी निम्न खानदान से है या फिर निम्न जाति से है, तो वहाँ पे क्या होता है कि उसके आधार पर उसको दिया जाता है कि अच्छा ये वाला है तो इसका यही काम ही यही करेगा, ठीक है, उसके कार्य का वहाँ पे डेफिनेशन उससे मिलता है। अगर कोई बनिया है तो हम समझ जाते हैं कि अच्छा ये दुकान ही खोलेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि वो दुकान ही खोलेगा, कुछ और कर सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस तरह से बनता है, समझ में आता है, ये क्वेश्चन है इसका। बस मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पर डिफाइन करना सिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन में क्या है, सही से समझो और आप अच्छे से आंसर लिख पाओ, ठीक है। इसकी अगर प्रॉपर वीडियो देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, जो पर्टिकुलर चैप्टर्स की वीडियो डली हुई है, ठीक है। इस वीडियो के अंदर में सिर्फ आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि क्या आंसर हो सकता है, ये फॉर्मेट समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी आप वहाँ पर देखोगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा खींचना नहीं चाहता। दूसरा लेसन का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दूसरे लेसन का, वैश्वीकरण क्या है। तो 10 नंबर का ये हो गया पहला क्वेश्चन, वैश्वीकरण क्या है, 10 नंबर, 5 नंबर जो भी मान लो। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन इसमें बनता है कि इसके प्रभाव श्रमिक, किसान, आदिवासी और महिलाओं पर क्या पड़े, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे टोटल हम चार पार्टों के बारे में बात करें, चार चीज़ों के बारे में, श्रमिक, किसान, आदिवासी और महिला। तो यहाँ पे ये नहीं कि चारों एक में पूछ लिया जाएगा कि वैश्वीकरण क्या है और चारों का बताओ, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या मैंने क्या किया है कि चारों को एक में जोड़ दिया है क्वेश्चन को, ठीक है। पर आपका नॉर्मली अगर पूछा जाएगा इस क्वेश्चन को, तो वैश्वीकरण क्या है, इसके प्रभाव श्रमिकों पर किस प्रकार पड़े ये बताओ, या श्रमिकों पर इसके क्या प्रभाव पड़े, वैश्वीकरण क्या है, किसानों पर इसके क्या प्रभाव पड़े, महिलाओं पर क्या पड़े, आदिवासियों पर क्या पड़े, इस पड़े इस तरह से आएगा, ठीक है, समझ में आता है। मतलब एक एक करके इसमें से पूछ सकता है, कोई सा भी एक करके पूछ लेगा, ज़्यादातर चांस होता है महिलाओं का या फिर आदिवासियों का या किसानों का, ये सर मतलब ज़्यादातर नॉर्मली मोस्ट चांसेस होता है महिलाओं का, ठीक है, या फिर किसानों का ही पूछता है। अब एक एक करके मैं बताता हूँ वैश्वीकरण होता है क्या। तो वैश्वीकरण, एक विश्व ग्राम व्यवस्था को वैश्वीकरण कहते हैं, वैश्वीकरण का अर्थ विश्व ग्राम व्यवस्था, ठीक है। विश्व ग्राम व्यवस्था, ग्राम मतलब क्या होता है, गांव। गांव के अंदर में क्या होता है कि आप एक व्यक्ति को पकड़ो, उससे पूछो भैया ये इस गांव में कौन कौन रहता है, भले इसमें 600 लोग रहते हो, वो 600 के एक एक आदमी का नाम बता सकता है, क्योंकि उसको बहुत अच्छे से हर एक लोगों का नाम वहां पे पता होता है। आप अपने घर में पूछना, अपने पापा मम्मी से पूछना, वो आपको पूरे के गाँव के नाम, बच्चों का नाम बता देंगे, मतलब जो भी वहां के उस टाइम के उनके टाइम के होंगे वो, ठीक है। बट शहर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो सेम वैश्वीकरण क्या करता है, एक दूसरे को, लोगों को जोड़ता है, पूरे विश्व को एक गांव की तरफ बदल देता है। गांव में क्या होता है कि आप इसको भी जानते हो, इसको भी जानते हो, सबको जानने के कारण क्या होता है कि अगर आप इसके घर से कुछ लेना चाहो यहाँ से ले सकते हो, इसके घर से लेना चाहो ले सकते हो, ये लेना चाहे ले सकता है, यहाँ पे जाना चाहो जा सकते हो, यहाँ जाना चाहो जा सकते हो, यहाँ जाना चाहो जा सकते हो, मतलब कहीं भी आ जा सकते हो, सब कुछ के लिए आज़ादी होती है। तो सेम हमारे विश्व में भी जो वैश्वीकरण है वो एक ग्राम व्यवस्था के तौर पे दिखाती है, जिसके अंदर में क्या होता है कि हम कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं, किसी भी तरह कल्चर अपना सकते हैं, किसी भी तरह का धर्म अपना सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ये वैश्वीकरण हमें आज़ादी देती है। आज आप एप्पल कंपनी का फ़ोन चलाते हो, ठीक है, नोकिया, सैमसंग, ये सब चीज़ें यूज़ करते हो, अलग अलग कंपनियाँ हैं, ठीक है, होंडा, मर्सिडीज़, BMW, ये सब चलाते हो, तो क्या लगता है आपको हमारे देश की कंपनियाँ हैं, गूगल चला रहे हो, अमेजोन चला रहे हो, बिल्कुल भी नहीं है। अदर कंट्रीज़ की कंपनी है जो हमारे यहाँ पर आकर व्यापार कर रही है और हम उनकी चीज़ों, प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं। सोचो अगर आप किसी के घर जाते हो और आपका कोई सामान दूसरे के घर में दिखता है, तो आप क्या कहोगे। आप मान लो किसी के घर गए, अपने दोस्त के घर गए, वहाँ पे आपको अपना पेन दिखा, पुराना पेन, तो आप भी बोलोगे पहला चीज़ यार चोरी करके लाया होगा मेरे घर से या उठा के ले आया होगा, नॉर्मल यही बोलोगे ना। तो सेम क्या अमेरिका के लोग यहाँ पे आते होंगे, देखते होंगे एप्पल चला रहे, तो क्या बोलते होंगे चोरी करके लाया, बिल्कुल भी नहीं भाई, उसकी कंपनी यहाँ पे खोली है, उसने शॉप यहाँ खोला है, तो मैंने वहाँ से खरीदा है। तो ये किस कारण से खरीदा, तो वैश्वीकरण के
करण खरीदा गया। तो वैश्वीकरण की नॉर्मली शुरुआत सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, शीत युद्ध शुरू होता है, कोल्ड वॉर शुरू होता है। कोल्ड वॉर का अंत जो होता है 1989 में होता है। 1989 के समय पे वैश्वीकरण की शुरुआत होती है, जो 1991 में जाकर पूरी तरह से विश्व में लागू हो जाती है। ठीक है, 1991 1991 तक। ठीक है, समझ में आता है वैश्वीकरण आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं इसके प्रभाव श्रमिक, किसान, आदिवासी पर, महिलाओं पर क्या पड़े। अगर आप श्रमिकों की बात करते हो, एक एक हम बात करते हैं, श्रमिकों की बात करो तो श्रमिकों का क्या होता है कि इनका रोजगार बढ़ता है। कैसे? आप मान लो विदेश से कंपनी आकर हमारे यहाँ पर व्यापार करेंगी तो उनको लेबर की जरूरत होगी। ठीक है, लेबर की जरूरत होगी, वर्कर्स की जरूरत होगी, तो उनको किसको रखेगा? उन्हीं को रखेगा, क्योंकि वो यार अब अमेरिका से थोड़ा लेकर आएंगे लेबर, हमारे देश की लेबर को ही रखेंगे। तो इस तरह से उनको रोजगार बढ़ेगी। ठीक है, पर साथ साथ हर एक का मैं नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों दिखा रहा हूँ। नेगेटिव पॉइंट इसमें ये भी हो सकता है कि अगर मान लो कंपनियां लेकर आ रही है, वैश्वीकरण में हम क्या करते हैं, तकनीक पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, तकनीक की ओर जाते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं। तो टेक्नोलॉजी को अगर हम अपना रहे हैं तो वहाँ पे क्या हुआ कि अगर किसी कंपनी में चार लोग काम करते थे, वहाँ पे मैंने एक टेक्नोलॉजी ले ली, तो अब उससे क्या हुआ, वो जो मशीन आई उसने क्या किया, दो लोगों को हटा दिया। अब सिर्फ वहाँ पे कंपनी में दो लोग काम करते हैं, तो दो लोग बेरोजगार हो गए। तो वैश्वीकरण का ये नेगेटिव इफेक्ट भी दिखा जाता है। ठीक है, अगर आप इसके किसानों के ऊपर प्रभाव देखो, किसानों के ऊपर प्रभाव इसका किस प्रकार से पड़ेगा, तो किसान, जैसे किसान है हमारे देश की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है किसान। अब वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी उन्होंने नए नए तरह के टेक्नोलॉजी बनाई। ठीक है, नए नए तरह की मशीनें बनाई, जिसके कारण से किसानों का बहुत ज़्यादा विकास हुआ। ठीक है, अब वो जो खेती करने में उनको या खेत की जुताई करने में ज़्यादा टाइम लगता था, वो अब कम टाइम में टेक्नोलॉजी के थ्रू कर लेते थे। ठीक है, बट वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ कि कुछ किसान तो बहुत अमीर हो गए, जिनके पास मान लो पैसा था वो अमीर हो गए। क्योंकि अगर मान लो मेरा बड़ा खेत है, बहुत बड़ा खेत है, ठीक है, उसमें मुझे खेती करना है, तो मैंने लेकर आया भाई मशीन खरीद कर और कर लिया, तो मैं हो सकता है। ठीक है, अगर मान लो मेरा छोटा सा खेत है और जितने का मेरा खेत नहीं उससे ज़्यादा कि मेरी मशीन पड़ रही है, तो मैं क्या लाऊंगा खरीद कर इसको खेती करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे ये भी देखा गया वैश्वीकरण के कारण कि जो गरीब किसान थे वो ज़्यादा गरीब हो गए। ठीक है, उनको ज़्यादा मार पड़ी, पर जो अमीर थे या फिर जिनके पास पैसे थे या फिर जो थोड़े संपन्न थे उनको फ़ायदा हुआ। ठीक है, तो वैश्वीकरण के कारण नॉर्मली फायदा ही देखें तो यहाँ पे किसानों क्या होता है, पैदावार में बढ़ोतरी होती है। ठीक है, उपज में बढ़ोतरी, पैदावार में बढ़ोतरी, ठीक है, कमाई में बढ़ोतरी होती है और समय में बचत है, सब ये सब चीज़ें आ जाती है। अब सिंचाई के लिए मान लो वर्षा पर निर्भर होते थे, वैश्वीकरण के क्या हुआ, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, और खेत की जुताई के लिए ट्रैक्टर, जैसे हैवी ट्रैक्टर्स आते हैं आजकल, तो उसको उससे बचत होती है, सब चीज़ों की कटाई बुनाई सब के लिए अलग अलग तरह की मशीनों का यूज़ होता है, तो इससे बचत। पर अब छोटे किसान होते हैं जिनका छोटा खेत है, वो सब इन सब मशीनों का यूज़ नहीं कर सकते, तो उनका नुकसान होता है। ठीक है, आदिवासियों की अगर बात करो तो वैश्वीकरण के कारण क्या होता है, सबसे बड़ी बात कि बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे देश में आकर स्टार्ट करती है, कंपनी फॉर्म स्टार्ट करती है अपनी। अब बड़ी बड़ी कंपनियां आई तो उनको रहने के लिए जगह चाहिए, लेने के लिए जमीन फॉर्म कंपनी स्टार्ट करने के लिए जगह चाहिए, तो जगह कहाँ से लाएंगे? जगह अमेरिका से तो खरीद के लाएंगे नहीं, हमारे भारत में ही खरीदेंगे, नॉर्मल सी बात है। तो भारत में जगह तो है नहीं, क्या करेंगे? तो अब वो जंगलों की कटाई होती है, जहाँ पे जंगलों में, या फिर जंगल को ही पूरा पूरा खरीदते हैं जिससे वो जंगलों पर इन्वेस्ट कर सकें, या फिर जो भी हो इस तरह का मोटिव होता है। तो अगर आप मान लो कटाई करते हैं, पेड़ों की कटाई की, जंगलों की कटाई करें, तो आदिवासी लोग जंगलों में रहते हैं, तो उनसे उनका नुकसान होता है, उनके कल्चर, उनका जो संस्कृति है, उनकी जो ट्रेडिशन है, वो सारा कुछ उनका बर्बाद हो जाता है, क्योंकि वो सारे जंगल में ही रहना पसंद करते हैं और हम उनको काट रहे हैं। उनको हम मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं कि यार नॉर्मल इंसान की तरह जियो, पर उनका जो मेन मोटिव होता है कि यार अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति को बचाए रखना और अपने समाज की रक्षा करना, ये होता है। तो इस तरह से आदिवासियों के ऊपर भी इम्पैक्ट करता है। महिलाओं के ऊपर वैश्वीकरण का ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट ही देखा जाता है, क्योंकि वैश्वीकरण आने के कारण महिलाओं की जो शक्ति होती थी, नारी शक्ति में बढ़ोतरी हुई। ठीक है, उनकी इच्छा शक्ति, नारी शक्ति में बढ़ोतरी होती है। आज के समय में महिलाएं दूसरी दूसरी कंपनियां, जो MNC कंपनी है उसमें वर्क करती है, MNC में वर्क करती हैं। ठीक है, फॉरेन कंट्रीज में जाती हैं, तो वैश्वीकरण के कारण ही। वैश्वीकरण से पहले क्या था कि महिलाएं एक घर में बंद रहती थी। ठीक है, बट वैश्वीकरण ने क्या किया, उनको आजादी दी, उनको पंख दिया कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सके। ठीक है, वैश्वीकरण के मतलब उनको जानने का, दूसरे लोगों को समझने का मौका मिला कि क्या है, किस तरह की इन्वायरमेंट हमारे आसपास में है और हमें समझना चाहिए, ये सब चीज़ें उन्हें पता चलती है नॉर्मली। ठीक है, सुन जाता है। तो महिलाओं पे इसका सकारात्मक नकारात्मक दोनों इफेक्ट इस तरह देख सकते हो। और नेगेटिव इफेक्ट क्या देखोगे कि लोगों की मतलब जो मेंटेलिटी होती थी वो धीरे धीरे बदल रही है महिलाओं को लेकर। ठीक है, सकारात्मकता बन रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हो तो तीसरे चैप्टर का क्वेश्चन है आपका ह्यूमन राइट्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मानव अधिकार के विभिन्न अर्थ क्या हैं।
और इसके मार्क्सवादी, उदारवादी तथा नारीवादी दृष्टिकोण समझाइए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी सेम, हम यहाँ पे दो क्वेश्चंस की बात करते हैं कि मानवाधिकार का विभिन्न अर्थ क्या। पहले बात तो हम बात करेंगे मानवाधिकार के थोड़ा सा इतिहास के बारे में कि इतिहास क्या है। ठीक है, और उसके बाद हम इसमें तीन विचारधारा है, मार्क्सवादी, उदारवादी, नारीवादी, तो हम तीनों विचारधाराओं के बारे में बात करने वाले इस क्वेश्चन में। बट नॉर्मली जो पूछा जाएगा उसमें एक ही विचारधारा पूछेगा तीनों में से कोई भी, कि मार्क्सवादी बताइए या फिर उदारवादी या फिर नारीवादी बताइए। ठीक है, ये सही है कि तीनों एक में ही आ जाएगा। यहाँ पे समय को और आपकी सम ज़्यादा कम टाइम में आप ज़्यादा चीज़ें ऑब्जर्व कर सके। अब तीन क्वेश्चन अलग अलग देता तो आप भी बोलते हैं सर 10 चैप्टर में आने वाला करना हमें टोटल 5 क्वेश्चन, आपने पहले से 10 क्वेश्चन दे रखा है, अब उसमें भी 10 में से आप 3 इसको बता रहे तो 15 हो जाएंगे ऐसे। तो इस कारण से एक में ही 3 कर दिया मैंने। ठीक है, तो तीनों को समझना आपको समझ में आ जाएगा। आप सबसे पहले अगर देखो मानवाधिकार के विभिन्न अर्थ, तो आपको पता होगा कि मानव अधिकार जैसे कि लोगों के हिसाब से अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है। कितने लोग मानते हैं कि एक व्यक्ति का जो मानव अधिकार होता है जन्म लेते ही उसको अधिकार मिलता है, मतलब मानव होने के लिए अधिकार मिलता है। अगर कोई आदमी मानव है तो उसके पास अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार कहते हैं जिससे। ठीक है, जन्मजात जिससे अधिकार मिलता है, मानव होने के साथ ही जन्मजात जो अधिकार मिलता है वो मानव अधिकार के कहलाता है। ठीक है, कुछ कुछ लोगों का अलग मानना है कि नहीं मानव अधिकार हमें बनाना पड़ता है, लेना पड़ता है, इस तरह की चीज़ें हैं, मेंटेलिटी है, तो वो देखेंगे क्या है। मानव अधिकार का इतिहास की अगर बात करें तो मानव अधिकार का इतिहास बहुत पुराना माना जाता है। ठीक है, जिसके अंदर में सम्राट अशोक के द्वारा जो घोषणा पत्र बनाए गए या जारी किए गए थे वो घोषणा पत्र से मानव अधिकार को जोड़ा जाता है, क्योंकि घोषणा पत्र के अंदर में भी लोगों को कुछ अधिकार दिए गए कि आप ये कर सकते हो और आप ये नहीं कर सकते, आपको ये करने की आज़ादी है और ये करने की आज़ादी नहीं है। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे मानवाधिकार के विभिन्न अर्थों में देखा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पे हम बात करते हैं मानवाधिकार के विभिन्न अर्थ का, तो नॉर्मल लोगों का ये मानना था जो विचारक हुआ करते थे, पॉलिटिकल विचारक, तो उनका ये मानना था कि जो मानवाधिकार होना चाहिए वो सार्वभौमिक के आधार पर होना चाहिए, मतलब सबको एक समान हो। ऐसा नहीं कि इस वर्ग को ज़्यादा मिले, उस वर्ग को ज़्यादा मिले, जो हमने अभी बात करा कि समाज में क्या था, सजातेता। ठीक है, कि इस लिंग के आधार पर, इसके आधार पर असमानता फैली हुई, तो ये देखकर उन्होंने ये खंडन किया इसका कि जो भी मानव अधिकार का वितरण हो वो एक सार्वभौमिक आधार पर हो, मतलब सबको एक समान देखकर बांटा जाए, ये नहीं कि इसको ज़्यादा उसको कम, ये चीज़ें तय की गई। ठीक है, साथ साथ में अगर उनके विचारधारा जो अलग अलग विचारक थे जैसे मार्क्सवादी, उदारवादी, नारीवादी, उनका भी ना अलग अलग दृष्टिकोण था मानवाधिकार को लेकर। जैसे मार्क्सवादियों का मानना है कि लोगों को जन्म लेते ही, जो अगर कोई इंसान जन्म लेता है तो उसे मानव अधिकार की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो प्राकृतिक अधिकारों की प्राप्ति होती है और वही रहना चाहिए, कोई अधिकार ऊपर से नहीं देना चाहिए। ठीक है, ऐसा क्यों मानना था, उनका मानना था कि अगर किसी व्यक्ति को अधिकार मिलते हैं तो वो क्या करेगा, अगर पूंजीपति जो मतलब समाज में अगर सबको अधिकार दिए गए तो जो पैसे वाला है वो अपने अधिकारों को तो यूज़ करेगा पर दूसरे के अधिकारों पर उसको कब्जा कर लेगा। ठीक है, उनका ये मानना था कि वो दूसरे के अधिकारों को यूज़ करने नहीं देगा। बट सेम उदारवादियों का क्या मानना था, उदारवादी लोग मानते थे कि अगर हम किसी को अधिकार देते हैं, उदारवादी के अगर विचारकों को देखोगे तो जर्मी बैथम, जॉन रॉल्स, ठीक है, ऐसे करके कई सारे विचारक आए जिनका ये मानना था कि अगर हम किसी को अधिकार देते हैं तो वो अपने अधिकारों को ज़्यादा डेवलप कर पाएगा, विकसित कर पाएगा और ग्रो करके वो अपने ज़्यादा चीज़ें कर पाएगा, समाज में उसको समान भागीदारी मिलेगी सभी के साथ रहने की। ठीक है, वो ये देखते थे, वो कहते थे कि अगर जैसे कि उदारवादियों, मार्क्सवादियों ने कहा कि जन्म से लेते ही हमें मानव होने के कारण हमें कुछ अधिकार मिलते हैं, तो कह रहे वो तो, पर उदारवादियों का मानना था वो तो अधिकार है ही है पर हमें कुछ और भी अधिकार चाहिए होंगे जीने के लिए। जिन्होंने उन्होंने किसकी बात करी, तो स्वतंत्रता के अधिकार की बात करी, ठीक है, जीने की अधिकार की बात करी, जीवन स्वतंत्रता के अधिकारों की बात करी। ठीक है, जॉन लॉक जैसे विचारकों ने जीवन की स्वतंत्रता की बात पर बहुत ज़्यादा जोर दिया, जिससे प्राकृतिक अधिकारों से जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि जी एक व्यक्ति को इंसान होने के नाते उसे जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है, अपने जीने का अधिकार मिलता है इंसान होने के नाते। ठीक है, ये चीज़ें नारीवादियों ने नॉर्मली नारी का पक्ष उठाया, जिसमें नारी के लेकर अधिकारों की बात की गई, उसमें जो शोषण होता है नारियों का उसके लेकर बात की गई कि किस प्रकार से आज के समाज में नारियों का शोषण होता है, क्या सा चल रहा है, क्या स्थिति है। ठीक है, ये इसके बारे में बात की गई, तो ये सारा कुछ यहाँ पे था। जैसे कि आपको समझ में आता होगा कि नारियों का आज के समय में क्या कंडीशन और पहले क्या था, कंपैरिजन उन्होंने दिखाया कि पहले क्या था, तो इन्हें अधिकारों की ज़रूरत है, इनको चाहिए, ये सारी चीज़ें बात की गई। ठीक है, समझ में आता है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मानव अधिकार के संरक्षण एवं प्रोत्साहन के विशेष संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका का वर्णन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट ईयर आपका आया भी हुआ था कि भाई इसके जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूएनओ है, वो किस हिसाब से मानव अधिकार के लिए वर्क करता है। तो सबसे पहले आप समझो यूएनओ है क्या, तो 1945 में इसका गठन होता है यूएनओ का,
यूएनओ का गठन के साथ ही कुछ समय बाद मानव अधिकार के लिए इसका एक संस्था, अलग से संस्था इसकी बनाई गई, ठीक है, जो मानव ह्यूमन राइट्स कमीशन के तौर पे जानी जाती है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, इसमें हम बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम यूएनओ की बात करते हैं कि यूएनओ किस हिसाब से वो कदम उठाता है। तो यूएनओ के जो अलग अलग अंग हैं, चाहे सुरक्षा परिषद हो, चाहे महासचिव हो, ठीक है, चाहे महासभा हो, चाहे आम सभा हो, चाहे जो भी हो, वो सारे क्या करते हैं कि कोई भी मानव अधिकार का अगर मुद्दा आता है विश्व के अंदर में कहीं भी, तो उसको लेकर आवाज़ उठाते हैं, ठीक है, उसको लेकर अपना उठाते हैं। आपको एक घटना याद दिलाऊं, तो जब सद्दाम हुसैन को मारा गया था, फांसी पर चढ़ाया गया था अमेरिका के द्वारा, तो वहाँ पे अमेरिका ने चढ़ाने का रीज़न, फांसी देने का रीज़न क्या बताया था कि जो सद्दाम हुसैन है वो इंसानी बम बना रहे हैं, ठीक है, इंसानी बम, आत्मघाती बम बना रहे हैं, जो इंसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम में हमला होगा, मतलब इंसानों को प्रताड़ित कर रहे हैं, ऐसा करके उसने बताया, ठीक है। तो उसके कारण से ह्यूमन राइट्स कमीशन भी जगह भाई इंसानों को लेकर कर रहा है, ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, इस तरह की चीज़ें हुई। तो उसके बाद अमेरिका ने एक पूरा प्लान तैयार किया और उसके ऊपर हमला किया और उसे फांसी दे दी, ठीक है। बाद में ऐसा किया था उसने या नहीं किया था ये पता नहीं, बट ये चीज़ें थी, ठीक है। तो ह्यूमन राइट्स कमीशन बहुत बार एक्टिव रहता है और चीज़ों के लिए आवाज़ उठाता है, ठीक है। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ह्यूमन राइट्स कमीशन को देखो तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तौर पर उनका बटा हुआ है, ठीक है, परिषद के तौर पर बटा हुआ है, जिसमें महिलाओं को लेकर आवाज़, महिला और बाल जो भी बच्चों बच्चे होते हैं उनके लेकर वो आवाज़ उठाती है। दूसरा अगर देखोगे तो लेबर संस्थाओं के लिए भी मजदूर कल्याण मंत्रालय परिषद के तौर पर बटा हुआ है, जो उसके लिए आवाज़ उठाती है। सुरक्षा परिषद जो जिसके पास वीटो पावर है, जो 5 देशों का समूह है जिनके पास वीटो पावर है, बाकी 10 अस्थायी देश हैं, ठीक है, तो उनके उन वो भी कई बार अपने चीज़ों को लेकर आवाज़ उठाते हैं कि यहाँ पे इसके अधिकार नहीं मिल रहे। जैसे आपको पता होगा कि अभी जब हमारे भारत ने कश्मीर को जब यूनियन टेरिटरी में बदलने का फैसला लिया, ठीक है, उसको 2 पार्ट में बांटने का फैसला लिया, तो जो पाकिस्तान था वो यूएनओ में गया, यूएनओ के सुरक्षा परिषद में भी गया, वहाँ पे वो क्या मुद्दा उठाता है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है और यहाँ पर मानवाधिकारों का हनन होता है। क्यों? क्योंकि उसने कई तरह के तथ्य रखे अपने, ठीक है, बट ऐसा था या नहीं था वो हमारी इंडियन गवर्नमेंट जानती है और हम अच्छे से जानते हैं कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है, किसी और को हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो उसके बाद ना यूएनओ ने भी सख्ती ली, ठीक है, थोड़ा सा कार्रवाई करने की कोशिश करी, बट हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने साफ किया कि हमारा घरेलू मुद्दा है तो कोई भी तीसरा पक्ष को हम स्वीकार नहीं कर सकते, उसने क्लियर किया, फिर उसके बाद यूएनओ अपने वहाँ से हट जाता है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें समझ में आती है आपको, समझ में आ रही है ना फ्रेंड्स। तो ये यूएनओ की हम बात करते हैं, तो अलग अलग अंग उसके अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, अगर वहाँ पे देखना चाहो तो वहाँ देखो, ठीक है। इसके अगर बात करो यहाँ पे ह्यूमन राइट्स कमीशन की किस हिसाब से क्या है, तो राष्ट्रीय महासभा पहला, जो ह्यूमन राइट्स को लेकर कई बार आवाज़ उठाती है। आर्थिक सामाजिक परिषद, जो किसी भी तरह के अगर समाज के अंदर में आर्थिक तौर पर किसी को हेल्प चाहिए होते हैं तो वो फंड वंड रिलीज करती है, सामाजिक तौर पर उन्हें देखती है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र का मानव अधिकार आयोग, उनका जो यूनियन का कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से, ठीक है, यूएन का वो, ठीक है। महिला एवं परिस्थिति आयोग, जो महिलाओं की स्थिति पर देख रेख करती है वो। सुरक्षा परिषद, अपराध निवारण एवं आपराधिक न्याय संबंधित आयोग। तो इस तरह करके बहुत सारे इसके संस्थाएं बनी हुई हैं, अलग अलग संस्थाएं बनी हुई हैं जो इनकी देख रेख करती है, ठीक है, इन सब चीज़ों का वो करती का वो मतलब देख रेख करती है, अपने अंदर में रखती है, ऑब्जर्वेशन में रखती है कि हाँ अगर किसी तरह का मुद्दा अगर कहीं भी होता है तो हम आवाज़ उठाएंगे, ठीक है, हम उसके खिलाफ कदम लेंगे। तो ये है, आप अगर वहाँ पे देखेंगे पर्टिकुलर लेसन में तो अच्छे से आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव अधिकार और नागरिक अधिकार क्या है और इसकी विवेचना कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर अक्सर ये कंपैरेटिव में आ जाता है या फिर टिप्पणी लिखने के लिए आ जाता है कि मानव अधिकार अधिकार पर टिप्पणी लिखिए या नागरिक अधिकार पर टिप्पणी लिखिए। 10 नंबर का होता है, बहुत अच्छा सा नंबर मिल जाता है और बहुत ईजी होता है टिप्पणी में नंबर लेना। तो होता क्या है मानव अधिकार, और नागरिक अधिकार लगभग सेम ही है, ठीक है, लगभग सेम ही हम, क्योंकि दोनों के अंदर में एक ही चीज़ की बात करते हैं। पर जो मानव, इसका सिंपल सा एक डेफिनेशन अगर मैं यो करूँ, आपको डिफाइन करूँ, तो मानव अधिकार क्या होता है, एक लिमिटेड नहीं होता है, मानव अधिकार लिमिटेड नहीं होता है, कहीं भी आप किसी भी जगह जाकर एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर पूरे भारत के अंदर में कहीं भी आप जाते हो, केरल में रह रहे हो, चाहे दिल्ली में रह रहे हो, चाहे कश्मीर में रहो, अगर आप कश्मीर से दिल्ली आते हो, कश्मीर दिल्ली से केरल जाते हो, तो भी आपका जो अधिकार है, ह्यूमन राइट्स है, वो सेम ही रहना है। ये नहीं कि बदल जाएगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। परंतु अगर आप नागरिक अधिकार की बात करो, तो आप अमेरिका में रहते हो, अमेरिका से भारत आए, तो वहाँ पे नागरिक अधिकार आपका चेंज हुआ,
पाकिस्तान गए, चेंज हुआ, चीन गए, चेंज हुआ, ठीक है। क्योंकि नागरिक अधिकार एक जगह से रिलेटेड होता है और मानव अधिकार इंसानियत से, ठीक है। ह्यूमन होने के नाते जो आपको अधिकार मिले हुए हैं उसके बारे में हम बात करते हैं, और नागरिक अधिकार मतलब किसी एक देश के नागरिक होने के नाते जो अधिकार मिले हैं उसके बारे में हम बात करते हैं, समझ में आता है। तो ये बाध्य होता है किसी पर्टिकुलर प्लेस को लेकर, पर ये नहीं होता है, ठीक है। समझ में आया मेरे दोस्तों? अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है, कुछ डाउट नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ रही, तो आप बताएं एक बार, हाँ सर मुझे समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जिससे मैं आगे भी इस तरह की वीडियो कंटिन्यू करूँ बनाने के लिए। अप्रिसिएट होता है मुझे, मतलब अच्छा लग रहा होता है कि अगर बच्चे कमेंट करके कह रहे होते हैं हाँ सर समझ में आ गया, तो फिर लगता है कि हाँ आगे और इसी तरह की वीडियो बनानी चाहिए। बट अगर इस तरह की पॉजिटिवनेस नहीं दिखती है तो फिर लगता है यार जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। तो अगर अच्छी लग रही है तो ज़रूर बताएं, कमेंट करके लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फ्रेंड्स, मैंने पहले भी कई बार बोला है कि हमारा एक गोल है जिसे हम कंप्लीट करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं, तो प्लीज़ फ्रेंड हमें सपोर्ट करें, ठीक है। और नॉर्मली हमारे वीडियो बनाने का मेन मोटिव क्या होता है कि कई सारे जो बच्चे हैं, और इवन हम भी SOL से ही हैं, ठीक है, हमारा पूरा टीम SOL से ही पड़ा हुआ है। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या होता है, हमारे साथ क्या प्रॉब्लम थी कि हमारे पास इतनी इकोनॉमिकल नहीं थी, इकोनॉमिकल वेल्थ नहीं थी हमारे पास, ये इतनी हेल्दी नहीं थे हम इकोनॉमिकली कि जाकर हम किसी प्राइवेट ट्यूशन्स में कोचिंग ले। और इवन SOL के बच्चे नहीं जाते हैं लेने के लिए, पहली बात ये हमारी मेंटेलिटी होती है। तो आप रियली अपने आसपास, घर के आसपास जाके पता करोगे, अगर जो देता होगा तो बहुत ज़्यादा हाई फीस होता है, जो आप पे भी कर पाओ बहुत इंपॉसिबल है। तो हमने उस चीज़ों को दूर करने के लिए यहाँ पे वीडियो बनाना शुरू किया, हमारी पूरी टीम इस पर वर्क करती है। तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, हम मोटिव होते हैं आपके एक एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से, एक एक चीज़ों से, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मली हम क्या बात करते हैं कि मानव अधिकार क्या होता है, लिमिटेड नहीं होता है, जिसके अंदर में आप कहीं भी रहोगे तो आपको सेम अधिकार मिलेगा। बट नागरिक अधिकार क्या होता है, एक प्लेस के साथ रिलेटेड होता है। आप इंडिया में हो तो ये इतना अधिकार है, ठीक है, ये आपको मिलेगा। पर अगर यहाँ इंडिया से पाकिस्तान जाते हो तो आपका नागरिक अधिकार चेंज हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा ये होता है। इसके अंदर में आप अच्छे से पढ़ चुके हो कि क्या कैसे था, ठीक है, मानव अधिकार कौन कौन सा थे, नागरिक अधिकार कौन कौन से थे, ठीक है, ये सारा आपने पढ़ा था। तो अगर आप वहाँ पर वीडियो देख लोगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी फ्रेंड्स, ठीक है। अगला अगर क्वेश्चन देखते हैं तो यहाँ पे हम बात करते हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत मानव अधिकार क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मानव अधिकार क्या है। तो दोस्तों आपको पता होगा हमारे भारतीय संविधान जो एक विश्व का लिखित संविधान के तौर पर सबसे बड़ा संविधान माना जाता है, ठीक है, लिखित संविधान के तौर पर सबसे बड़ा संविधान। अगर हम इसकी बात करते हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत हमारे भाग 3 में, ठीक है, पार्ट 3 में, भाग 3 के अंदर में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, ठीक है। मौलिक अधिकार होते क्या हैं इनके बारे में वो बताया गया है, और ये मौलिक अधिकार ही एक तरह से मानव अधिकार है। मतलब मौलिक मतलब बेसिक अधिकार जो इंसान को, हर एक इंसान को जरूरत होता है, हमारे भारतीय संविधान में इंट्रोडक्शन है इसका, ठीक है, किसी और संविधान में है या नहीं है बट हमारे भारतीय संविधान में दिया गया है, ठीक है, जिससे हमें किसी भी अलग तरह से अधिकार लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये और ये जो मौलिक अधिकार होता है हर एक व्यक्ति पर लागू होता है, हर एक व्यक्ति के लिए होता है, ठीक है। कोई व्यक्ति का अधिकार ना हो, कुछ हो, बर्बाद ना हो, तो उसके लिए देखा जाता है, ठीक है। मौलिक अधिकार आपने अपने 12th में पढ़ा होगा कि कौन कौन से आपके पास मौलिक अधिकार है, ठीक है, जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, नागरिक का अधिकार, ठीक है, अधिकारों के संरक्षण हेतु अधिकार, इस तरह से सारी चीज़ों का दिया गया है, ठीक है। 5 से 6 हैं, कौन कौन से हैं वो आपको मैं बता चुका हूँ पहले वीडियोज़ में। अगर हम थोड़ा सा डिफाइन करें यहाँ पर 12 से 35 के बीच में कौन कौन से अधिकार आते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अनुच्छेद संविधान के अंदर में 6 प्रकार के, मतलब 6 अधिकारों का वर्णन है, जिसमें अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 में समानता का अधिकार का वर्णन है, ठीक है। 14 से लेकर 18 के बीच में समानता का अधिकार के बारे में बात की गई है, जिसमें हर एक अनुच्छेद में अलग अलग तरह की समानता की बात की गई है, ठीक है। वहीं पे दूसरे अधिकारों का अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 14 में भारत के नागरिक होने का अधिकार, ठीक है, इस तरह से अलग अलग बात की गई है। 19 से 21 के बीच में स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है, पहले समानता था 14 से 18 के बीच में, 19 से 21 के बीच में स्वतंत्रता के अधिकारों की बात की गई है, ठीक है, इस तरह से हमारे अधिकार बटे हुए हैं। 20 से 21 के बीच में जीने के अधिकार की बात की गई है, ठीक है, स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की बात की गई है, जो 19 से 21 था ना उसी के अंदर में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। और अगर आप आगे बात करो तो यहाँ पे 23 से 24 के बीच में शोषण के विरुद्ध अधिकारों की बात की गई है, जैसे महिलाओं का शोषण होता है कई बार, आप रेप जैसी चीज़ें या फिर घरेलू हिंसा, तो उत्पीड़न, दहेज, ये सब शोषण के तौर पे ही हैं, बाल शोषण होते हैं, तो उसमें 23 से 24 के बीच में शोषण के विरुद्ध अधिकारों की बात की गई है। अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता
प्रदान की गई है। धार्मिक स्वतंत्रता के अंदर में क्या होता है कि आप किसी भी तरह के कोई भी चीज़ यहाँ पे कर सकते हो। अनुच्छेद 29 से 30 के बीच में शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों की बात की गई है। किसी भी तरह के आप शैक्षणिक शिक्षा ले सकते हो या फिर अपने सांस्कृतिक धर्म की रक्षा करने के लिए अनुच्छेद 29 से 30 के अंदर में बात की गई। अनुच्छेद 32 के अंदर में संवैधानिक उपचारों के अधिकारों की बात की गई है। अब संवैधानिक उपचार क्या होता है कि अगर कहीं भी किसी भी तरह के आपका अधिकारों का हनन होता है तो उसे आप संविधान के जरिए संवैधानिक तौर पर उसका उपचार कर सकते हो। वहाँ पर जाकर कंप्लेन कोर्ट ये जो भी चीज़ें हैं अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हो, ये चीज़ें की गई हैं। अनुच्छेद 19 से 31 के बीच में आपको संपत्ति के अधिकारों की बात की गई, जिसको रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया है मौलिक अधिकारों में से, वहाँ से इसको हटा दिया गया है। ठीक है, ये चीज़ें हमने पढ़ा, समझ में आया। ये भारतीय संविधान के अंदर मानव अधिकार क्या है, ये एक मौलिक अधिकारों का ये चीज़ें थी। साथ साथ यहाँ पे हमारे भारतीय संविधान के अंदर में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की भी बात की गई है, जिसके अंदर में राज्य के द्वारा कुछ तत्व दिए जाते हैं, कुछ राइट्स दिए जाते हैं कि इसके थ्रू भी आप जी सकते हो। ये भी मौलिक अधिकार के तौर पर ही वर्क करते हैं आम नागरिक को, पर ये देती है, ये जो मौलिक अधिकार होता है वो भारत के संविधान के थ्रू हर एक नागरिक को दी जाती है। और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं ये केंद्र के द्वारा, हमारे संविधान के द्वारा एक राज्य के लिए गाइडलाइन होता है कि आप ऐसी चीजें तय करें जिससे लोगों को अधिकार मिले। ठीक है, तो ये क्या होता है, भाग संविधान के भाग चार के अंतर्गत, जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व की हम बात करते हैं, संविधान के भाग चार के अंतर्गत, ठीक है, अनुच्छेद 36 से लेकर, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच में इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में, जिसके अंदर में हम हर एक राज्य के अंदर में जो लोग होते हैं उसको किस तरह से मिले, क्या मिले, वो सारी चीज़ें देखते हैं। जिसमें 36 से 37 के बीच में राज्य की परिभाषा का वर्णन करते हैं, राज्य मतलब एक कल्याणकारी राज्य किस प्रकार का होना चाहिए। ठीक है, 40 के अंदर हम स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था के बारे में बात करते हैं कि एक स्वशासन व्यवस्था किस प्रकार का होना चाहिए। ठीक है, 43 के अंदर में हम काम करने के अधिकारों की बात करते हैं। ठीक है, 45-46 के अंदर में बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित की जाए इसके बारे में बात करते हैं। अनुसूचित जनजाति की देखभाल हो उसके लिए बात करते हैं। अनुच्छेद 51 के अंदर में हम अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा दें इसके लिए बात करते हैं। तो मतलब जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो भी एक कल्याणकारी राज्य बने, लोगों के लिए एक बेनिफिशियल तौर पर उभरे। ठीक है, मतलब फ़ायदेमंद चीज़ के तौर पर उभरे, वो भी सेम लोगों के लिए वर्क करे, वहाँ पे हम बात करते हैं। किसी भी तरह का कोई भेदभाव ना हो, किसी भी तरह की योजना को लागू करने में या फिर कलर रंग भेद किसी भी तरह का कोई ना देखा जाए, हर वर्ग को समान अधिकार दे, इस तरह की चीज़ों पर वो वर्क करता है। ठीक है, समझ आया मैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप तो यहाँ पे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग क्या है, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, तथा इसके समक्ष किस प्रकार की चुनौतियाँ हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछ लिया जाता है ऐसे ही। नॉर्मली जो बुक फर्स्ट है इसमें से 2 से 3 ही क्वेश्चन आते हैं आपके फाइनल एग्जाम में, बट यहाँ पे हम 10 क्वेश्चन करें तो 10 में से 2 कोई से भी आते तो आप अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, अगर अब यहाँ पे हम बात करते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है नेशनल ह्यूमन राइट्स से लेकर कि क्या है, क्योंकि अक्सर राष्ट्रीय मानव अधिकार का मुद्दा हमारे भारत में आता है। सबसे पहले हम समझते हैं इसके समक्ष चुनौतियाँ क्या है, पहले चुनौती समझते हैं, बाद में हम इसके मानव अधिकार को समझते हैं। तो इसके सामने चुनौतियाँ क्या होती हैं कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अक्सर अपनी चीज़ों को लेकर मतलब बहुत ज़्यादा डिटरमाइन है कि भाई मुझे महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों को उठाना है। ठीक है, तो चुनौतियाँ क्या होती है कि लोग समाज के अंदर में ज़्यादा जागरूक नहीं है, तो जागरूक करने की समस्या। ठीक है, जागरूक करने की समस्या, अगर मान लो मुझे मेरे पास कुछ राइट है और मुझे पता ही नहीं उसके बारे में कि क्या राइट है, तो मैं क्या बताऊंगा, तो वो भी एक चुनौती है कि लोगों को उनके बारे में पता ही नहीं है। अब आप किसी आम लोगों से पूछोगे कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में जानते हो क्या, तो वो कभी भी शायद बता पाए, मुझे नहीं लगता, आई होप सो। ठीक है, ये चीज़ें, तो राष्ट्रीय मानव अधिकार के आयोग चुनौतियाँ क्या होती है कि जागरूकता की कमी, लोगों में जागरूकता की कमी है। दूसरी चीज़ क्या होता है कि लोग खुलकर सामने आना नहीं चाहते, या फिर अब इसके लिए फ्रेंडली वे भी चुनते हैं जिसमें एनजीओ का सहायता लेते हैं। ठीक है, एनजीओ की सहायता से लोगों तक को जुड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अलग अलग मुद्दे को उठाते रहते हैं हर समय पे, और साथ साथ में कई बार ये मुद्दे उठाते हैं जिससे लोगों की भलाई और लोगों के अंदर में एक विश्वास बने कि हाँ ये है। नॉर्मली जो इसके कार्य होते हैं, किसी भी तरह के पीड़ित व्यक्ति के लिए सहायता प्रदान करना, किसी भी लंबित मामले को उठाना, ठीक है, आतंकवाद के खिलाफ जो विध्वंस होता है उसके खिलाफ में मानवाधिकार के मुद्दे को उठाना, भारत में मानवाधिकार को बढ़ावा देना, ठीक है, समाज के विभिन्न वर्गों में मानवाधिकार से संबंधित जागरूकता को फैलाना, ठीक है, मानसिक अस्पताल या किसी संस्था द्वारा कैदी में रहने वाले व्यक्ति को स्थायी तौर पर मानवाधिकार के बारे में जागरूक करना, ये सारे नॉर्मली मानव अधिकार के आयोग हैं। ठीक है, मानव अधिकार आयोग के ये हैं।
ये सब देखी जाती है। अगर आप नेशनल मतलब ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करो तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना जो घोषणा पत्र संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के तहत देखा जाता है, तो 1948 में मतलब जब संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र बनता है, संयुक्त राष्ट्र वाला यूएनओ वाला, तो वहाँ से मानवाधिकार का मुद्दा उठता है और उसके बाद पूरे विश्व के अंदर में मानवाधिकार का जोर पकड़ता है कि भाई मानवाधिकार है, ठीक है, इस तरह की चीज़ चलती है कि मानवाधिकार मानवाधिकार। उसके बाद जब हमारे भारत के सब भारत जब आज़ाद होता है 1947 में, उसके बाद हमारा जब 1950 में संविधान लागू होता है, तो संविधान के अंदर में जो मौलिक अधिकार दिए जाते हैं, संविधान के जो मेन मुख्य तत्व होते हैं, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, जो ये तीन जो मेन तत्व दिए गए हमारे संविधान के अंदर में, जिसके थ्रू हमारे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वहाँ से चीज़ें चल जाती है। हमारा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 लागू किया जाता है हमारे भारत के अंदर में, जिसमें मानव के अधिकारों को संरक्षण के लिए 1993 में एक रूल बनाया गया, जिसमें किस तरह से लोगों के अधिकार को प्रोटेक्ट किया जाए ये चीज़ें तय की गई, ठीक है। तो ये इस तरह से सारा कुछ आप पढ़ते हो, आपको सजेशन यही रहेगी इस क्वेश्चन के लिए कि आप वहाँ पर जाकर देखें, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में आप बेहतर तरीके से वहाँ पर समझ पाओगे, ठीक है। ऐसे 1993 में ही जब में ये विधेयक आता है, अधिनियम आता है, उसके बाद ही राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन होता है, मानवाधिकार आयोग का गठन हो जाता है, ठीक है, उसके बाद ही। उससे पहले भी अगर गठन का जो प्रक्रिया थी चल रही थी या हो रखी थी तो वो सही से वर्क नहीं करती, पर 1993 में के बाद ही ये सही से वर्क करने लगी, ठीक है। आगे आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो भारतीय संविधान में महिला, दलित, आदिवासी और मजदूरों के संबंध में किए गए प्रावधानों का विश्लेषण कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर में क्या है कि हम अलग अलग वर्णों के बारे में बात करें, अलग अलग समूहों के बारे में बात करें कि भारतीय संविधान में इनको किस हिसाब से दिखाया गया है। तो देखो, ये क्वेश्चन में जो भी आएगा, अगर कभी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये नहीं होगा कि आपसे एक बार में महिला भी पूछ ले, दलित भी पूछ ले, आदिवासी भी पूछ ले, मजदूर भी पूछ ले, चारों एक बार में नहीं पूछेगा, एक बार में एक ही पूछेगा, भारतीय संविधान में महिला के संबंध में किए गए प्रावधानों का विश्लेषण कीजिए, ये या फिर दलित या आदिवासी या फिर मजदूर, ऐसा ही पूछेगा। मैं तो चारों को एक बार में इसलिए बताया क्योंकि इसे इजी हो जाए। अब भारत के अंदर में महिलाओं को लेकर बहुत ज़्यादा शोषण होते हैं, चाहे ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, ठीक है, देह व्यापार जैसे मुद्दे भारत के अंदर और दूसरे देशों में बहुत ज़्यादा देखने के लिए जाते हैं, रेप, किसी दहेज उत्पीड़न, ठीक है, घरेलू हिंसा, शोषण, ये सारी चीज़ें देखने के लिए आती है, ठीक है। आजकल का जो सबसे बड़ा मुद्दा है क्या है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, देह व्यापार, ये सब चीज़ें मुद्दे बहुत बड़े हैं, रेप जैसी समस्याएं बहुत बड़ी हैं। तो महिलाओं को लेकर, तो भारतीय संविधान के अंदर में महिलाओं को लेकर विशेष प्रावधान दिए गए हैं, कुछ अधिकार दिए गए हैं, जैसे मौलिक अधिकार तो सबके पास है कि जीने का अधिकार, ये सब सारा कुछ, साथ साथ में महिलाओं को लेकर अलग से अधिकार और कल्याण, महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय बनाए गए, जिससे क्या हुआ कि भारत के अंदर में होने वाली महिलाओं पर जो अत्याचार होते हैं वो कम किया जा सके, ठीक है। डायरेक्टली एक अलग मंत्रालय बना दिया, जिससे अगर कभी कोई अत्याचार होता है तो उनसे कॉन्टैक्ट करके बच सकते हैं, ठीक है, इस तरह की चीज़ें की गई। दलितों के लिए भी सेम, अल्पसंख्यक मंत्रालय बनाए गए, ठीक है, अल्पसंख्यक मंत्रालय बनाए गए, भारत सरकार ने उन्हें कुछ अलग दायित्व दिए, अलग अधिकार दिए, उनको एससी ओबीसी जो हम कहते हैं, ठीक है, इस तरह से संरक्षण प्रदान किया, जिससे उनको समान एक मुख्य धारा में आकर जुड़ सके, दलित हो, आदिवासी हो, मजदूर हो, सबके साथ यही किया गया है। मजदूरों के लिए भी मजदूर कल्याण, अब जो मतलब अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय है, वहाँ पे मजदूर बाल विकास मंत्रालय, ठीक है, मजदूर बाल विकास कल्याण मंत्रालय, इस तरह से मंत्रालय बनाए गए, अलग अलग तरह से मिनिस्ट्री बनाई गई, जिससे क्या होता है कि पर्टिकुलर व्यक्ति के पास क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस तरह की चीज़ें हैं वो करने लगी। इसके छोटे स्तर पर वर्क करने के लिए कई तरह के एनजीओ को डिप्लॉयड किया गया, ठीक है, एनजीओ को कार्य दिए गए, राज्य सरकारों पर विशेष बल दिया गया, राज्य सरकारों के पास भी इस तरह के मंत्रालयों की मतलब कही गई कि जिससे आप भी इस तरह के अगर मंत्रालय बनाते हो तो क्या होता है, नॉर्मली देखो मंत्रालय से होता क्या, मंत्रालय बनाने से होता क्या है कि अगर मान लो मुझे कोई प्रॉब्लम है, मैं एक आदिवासी हूँ या दलित हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम है, तो मैं क्या मोदी के पास जाके थोड़े कहूँगा, प्राइम मिनिस्टर से थोड़े आके कहूँगा कि सर मुझे ऐसी ऐसी बात है, मुझे प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कह सकता ना। तो वहाँ पे क्या होगा कि मैं उस मंत्रालय के व्यक्ति से कॉन्टैक्ट करूँगा कि भाई मेरे पास ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, आप इसको देखो, तो वो व्यक्ति अगर सॉल्व करता है तो ईजिली कर पाएगा, क्योंकि उसी के पास ये सारे राइट्स हैं मंत्रालय के। अब मैं प्राइम मिनिस्टर के पास जाता हूँ, वो भी बंदा सोचेगा यार मैं किसको बोलूँ किसको ना बोलूँ, डायरेक्ट अपने बंदे के पास जाओ जो आपके वर्क करता है। अगर आपको फाइनेंस की प्रॉब्लम है तो आप निर्मला सीतारमण जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, आप उनसे बात करोगे ना, ऐसा तो होगा नहीं कि आप सुरक्षा मंत्री से, सुरक्षा से बोलोगे यार, सुरक्षा वाले से, ठीक है, सुरक्षा मंत्रालय से बोलोगे मुझे फाइनेंस की प्रॉब्लम है, बिल्कुल भी नहीं, समझ में आ रहा है। तो वहाँ पे ये चीज़ें देखने के लिए मिलती है, तो उनके लिए अलग से मंत्रालय बनाना, ये सारी चीज़ें करना, ये सारा उसमें आ जाता है। यहाँ पे जो हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत किस तरह से वर्क करते हैं वो सारा कुछ यहाँ पे मैंने इसके 2 से 3 वीडियो में अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है, तो आदिवासियों का भी सब कुछ, वो सारा कुछ देखें, आपको अच्छे से समझ में आएगा।
आप अलग देखते हो, लास्ट क्वेश्चन देखते हो, ये हमारे बुक का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है बट मैंने उसको करवा नहीं रखा, ठीक है, पर मैं बता दूंगा लास्ट में। उपभोक्ता अधिकार क्या है तथा इसकी विवेचना कीजिए, ठीक है। उपभोक्ता अधिकार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी है क्योंकि अक्सर हमारे आज के समाज में लोग जो हैं, हर एक लोग उपभोक्ता के तौर पर है। उपभोक्ता मतलब कोई भी व्यक्ति जो उपभोग करता है, किसी भी तरह का सामान खरीद के लाता है। किस मकसद से? उपभोग करने के मकसद से। अगर मैं कुछ सामान खरीद के लाया बेचने के लिए तो वो मैं उपभोक्ता नहीं कहलाऊंगा, ठीक है। बट अगर मैं कोई सामान खरीद के लाया पर अपनी यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए, तो मैं उपभोक्ता कहलाऊंगा, ठीक है। तो उपभोक्ता होता क्या है? उपभोक्ता की विवेचना कीजिए, इसके अधिकारों की विवेचना कीजिए। तो उपभोक्ता अधिकार अधिनियम 1986 की हम बात करते हैं, 1986 की बात करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक उपभोक्ता के पास कौन कौन से अधिकार हैं इस देखा जाता है, जिसमें सूचना प्राप्त करने का अधिकार, वस्तुओं के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार, घातक वस्तु, कई बार वस्तु एक्सपायरी डेट वाला आता है, ये सारे। आपने डीडी न्यूज़ पे, एक डीडी नेशनल पे जो आपका चैनल है, राष्ट्रीय चैनल है, उस पर आपने एक ऐड देखा होगा, जागो ग्राहक जागो। ये उपभोक्ता मंत्रालय द्वारा ही चलाया जाता है। इसके लिए भी एक अलग से मंत्रालय है जो सारा कुछ वर्क करता है, ठीक है। कंज्यूमर फॉर्म है, जो अगर किसी तरह की कोई व्यक्ति के पास प्रॉब्लम होती है तो वो जाकर वहाँ पे कांटेक्ट करता है। इसमें नॉर्मली किस तरह के अधिकारों की बात करते हैं? तो किसी घातक वस्तु के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार, कोई वस्तु है खराब है उसके विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार, ठीक है। सूचना पाने का अधिकार, अगर कोई वस्तु आप खरीद रहे हो तो उसके बारे में पूरी जानकारी हो आपको, तो उसके बारे में अधिकार की बात करते हैं हम, सूचना पाने का अधिकार, ठीक है। चुनाव या पसंद का अधिकार, आप किसी दुकान पर गए तो आपको कोई फोर्स करके नहीं कह सकता कि भाई नहीं आपको यही खरीदना है, ऐसा कुछ नहीं कह सकता। तो आपके पास क्या है? चुनाव का अधिकार है यहाँ पे, ठीक है। सुनवाई और अपील का अधिकार, अगर कोई मान लो वस्तु आपने खरीदी उसके अंदर में खराबी आ गई तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन करके अपनी केस फाइल कर सकते हो, सुनवाई कर सकते हो, इसका अधिकार आपको दिया गया है, ठीक है। साथ में उपचार का अधिकार, उपचार का अधिकार मतलब आपको अगर किसी तरह से नुकसान होता है उस वस्तु से तो उसके खिलाफ आप केस फाइल कर सकते हो, जिससे आप उसमें मुआवजा मांग सकते हो, ठीक है। उसमें आप अपने दंड की क्षतिपूर्ति के लिए बोल सकते हो, समझ में आता है। उपभोक्ता का शिक्षा का अधिकार, अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हो, कोई चीज़ खरीदना चाहते हो तो उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए आपको, ठीक है, क्या है क्या नहीं है, तो उसके शिक्षा का अधिकार है, उससे पूछोगे बताएगा, ठीक है। ये उपभोक्ता के संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार मतलब ये जितने भी चीज़ें हैं आपके संविधान के अंतर्गत दिया गया, जिसमें भाग 3 के अनुच्छेद 21 और भाग 4 के अनुच्छेद 51 ए के तहत ये सारी चीज़ें प्रावधान की गई हैं, ठीक है। भाग 3 के अनुच्छेद 21 और भाग 4 के अनुच्छेद 51 ए के तहत ये सारी चीज़ें आई हैं, ठीक है, समझ में आता है। थी ये उपभोक्ता अधिकार था जिसके बारे में मैंने पूरा आपको बताया, जो 1986 के अंदर में उपभोक्ता अधिकार संरक्षण अधिनियम लाया गया था, उसके बाद से ये उपभोक्ता का मुद्दा खुलकर सामने आया। लोगों का मानना था, मतलब ये अलग अलग लोग, जैसे हमारे महात्मा गांधी कहते थे कि जो उपभोक्ता ग्राहक देवता समान है, आपने हमारे भारत के अंदर में सुना होगा, गांधी जी ने नहीं कहा, बट ग्राहक क्या है? देवता समान है, आपने सुना होगा। तो उपभोक्ता कौन है? जो ग्राहक है, जो कुछ खरीदने आया है, ठीक है, तो उपभोक्ता। तो उसके मुद्दे को लेकर बहुत ज़्यादा राय, पूरे विश्व में इस तरह की चीज़ें उठी हैं, तो इसको लेकर यहाँ पे क्वेश्चन बनता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका एक ये बनता है कि भाई भारत के अंदर में आंदोलन किस प्रकार के हुए, ठीक है। अब भारतीय मानवाधिकार आंदोलन, भारत में मानवाधिकार आंदोलन, ये तो यहाँ पे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट नॉर्मली अगर आंदोलन की बात करो तो हमारा जो आंदोलन का काल रहा वो स्वतंत्रता पीरियड से शुरुआत से ही रहा, जिसके अंदर में सभी लोगों ने अपने अधिकार को लेकर लड़ा, ठीक है। अब वो किस तरह से, क्या अधिकार था? जैसे देखो, पहले अंग्रेजों से ये नहीं था कि हमें देश आज़ाद करवाना है, ऐसा कोई मोटिव नहीं था, सबका अपना अपना मोटिव क्या था कि यार अगर कोई लड़ रहा है, अगर मान लो कोई क्षेत्रीय लड़ रहा है तो क्षेत्रीय अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा था कि यार जो मेरा राजा कोई लड़ रहा है, मतलब मान लो क्षेत्रीय राजा कोई लड़ रहा है तो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा था अंग्रेजों से। क्यों? क्योंकि जो अंग्रेज थे उन्होंने उसके राज्य पे कब्जा कर लिया, ठीक है, उसका जो राज्य था, उसका जो पूरा कॉन्स्टिट्यूएंसी था उस पर कब्जा कर लिया, तो वो अपने राज्य के लिए लड़ रहा है कि भाई मेरे पास अपने राज्य का अधिकार वापस चाहिए, ठीक है। अगर मान लो कोई गरीब है, निम्न है, वो लड़ रहा है, तो वो किस लिए लड़ रहा है कि यार मेरे ऊपर कई तरह की बंदिशें लगा दी गई हैं तो मेरे पास अपने काम करने की आज़ादी नहीं है, तो मैं उसके लिए लड़ रहा हूँ, ठीक है। तो लोग अपने अपने अधिकारों के लिए जो लड़ रहे थे, तो वहाँ से भारत के अंदर में मतलब मानवाधिकार का आंदोलन स्टार्ट हो जाता है हमारे स्वतंत्रता संग्राम से ही, ठीक है। इस तरह की चीज़ें देखी जाती है, तो ये है बनता है। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब इसमें क्वेश्चन बनने के आने का कोई वो है नहीं, ठीक है। नॉर्मली पूछ लिया जाता है कि भारत के, अगर आता है तो भारत का मानवाधिकार आंदोलन बताओ, टिप्पणी में आता है 10 नंबर का, तो आप उसमें लिख सकते हो अच्छे से, ठीक है। ऐसे मैंने करवा रखा है इसकी वीडियो। तो ये बुक फर्स्ट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने देखे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो, मतलब इसकी जो आएगी या फिर जो भी इसका हम करेंगे आगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, जो वो बुक सेकेंड हम स्टार्ट करेंगे, जो हम बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं, ठीक है, और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है।
तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जितने भी लोग आप देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, समझ में आया है नहीं आया, कहाँ पे हमसे कमी रह गई, ठीक है आपको, और हमें कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है ये भी ज़रूर बताएं, ठीक है। और दोस्तों अगर आप इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ना चाहते हो तो दी इन अप 2019 हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पे जाके जुड़ सकते हो। हम ट्विटर पे भी हैं दी इन अप के नाम से, फेसबुक पे भी दी इंग्लिश नप के नाम से हैं, तो आप हमें वहाँ पे जुड़ सकते हो, ठीक है। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो विश्वजीत सिंह करके ट्विटर, विश्वजीत सिंह करके आपका इंस्टाग्राम, और विश्वजीत सिंह करके FB पे भी मैं आपको मिलूंगा, ठीक है, तो आप वहाँ पे भी जुड़ सकते हो मुझसे, ठीक है। जिस अगर अगर आपको कभी भी किसी भी तरह का डाउट होता है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, हिस्ट्री, पोलिटिकल जॉब, हिस्ट्री, पोलिटिकल, ग्लोबलाइजेशन, ह्यूमन राइट्स, ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, एज वेल रेगुलर नोन, किसी भी तरह की चीज़ों की प्रॉब्लम होती है तो मैं आपका हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। यू कैन आस्क एनी टाइम एनी वेयर। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।